दोस्तों, कुछ कड़वा बोलने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में इसी को समझेंगे एक कथा के माध्यम से। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए कथा सुनते हैं। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। कमेंट जरूर कीजिए। एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उस किसान ने गुस्से में अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, परंतु बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह अपने गुरु के पास गया। उसने अपने गुरु से पूछा कि वह गुस्से में बोले हुए अपने शब्द कैसे वापस ले। किसान के गुरु ने किसान से कहा कि तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच ले जा कर के रख दो। किसान ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा ही किया और फिर वापस गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने किसान को वह पंख वापस लाने को कहा, परंतु किसान जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हवा के कारण पंख इधर उधर उड़ गए हैं। किसान खाली हाथ अपने गुरु के पास पहुंचा। तब गुरु ने उसे समझाया कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह करके भी वापस नहीं ला सकते। कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखिए कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। इसीलिए अपने कड़वे वचनों से किसी का दिल दुखाने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। और इसके लिए एक और कथा से रिलेटेड हमने वीडियो आपके लिए बनाई हुई है कि कैसे एक छोटी सी बोली ने बाली का जान ले लिया, प्राण ले लिया, और हनुमान जी के सामने भी जब वही स्थिति आई तो वो वापस आ गए। वो कथा भी जरूर देखिए आप। बाली ने क्या कहा था, जब मैं दानों से लड़ने के लिए गया तो परिखहूँ मुही एक पखवारा, नहीं आऊँ तो समझा हूँ मारा। उसने सुग्रीव को अपने भाई को बोला था कि मैं अगर एक पखवाड़े में यानी कि 15 दिन में वापस आ जाऊँ तो समझना कि चल चलेंगे हम सभी साथ में, और नहीं आऊँ तो समझना कि मैं मर गया, तुम चले जाना। और सुग्रीव 1 महीने तक रहा और चला गया। बाद में जब अंदर से ब्लड आने लगा तो क्योंकि वो समझा कि जब बाली ही नहीं जीत पाया इससे तो मैं कैसे जीतूंगा। और बाली जब बाहर आया तो वो भूल गया था अपनी बात को। इसी बात पर उसको क्रोध आ गया और उसने उसकी पत्नी को रख लिया और उसे मार करके खदेड़ दिया, जो कि उसकी मौत की वजह बनी। आगे चल करके हनुमान जी के भी सामने यही स्थिति आती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी भेजते हैं हनुमान जी को कि आप जाइए, सीता माता का पता लगा करके आइए। अब हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे थे जो कि समुद्र को लांग सकते थे। सभी बंदर तो जा नहीं सकते थे, लेकिन कोई भी एक वापस जाता तो श्री रामचंद्र जी पूछते कि क्या हुआ, पता लगा कि नहीं लगा। तो इस वजह से हनुमान जी क्या बोलते हैं वहां पर कि राखहुँ प्राण कंद मूल फल खाई, यानी कि जब तक मैं लौट करके नहीं आता हूँ लंका से, आप कंदमूल फल खा करके अपने प्राणों को यहीं पर सुरक्षित रखिए, जिंदा रखिए, तो जब वापस आएंगे चले चलेंगे साथ में। अब सोचिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी बाली ने जो कहा था परिखहूँ मुही एक पखवारा, लेकिन ये छोटी सी बात उसके जान की दुश्मन बन गई। वजहें बहुत सारी थी लेकिन कारण जो है मुख्य यही बना। तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना चाहिए, कुछ भी बोलने से पहले बहुत ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हमारी जिह्वा को 32 दांतों के अंदर कैद किया गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी सुरक्षित रखना है इसको, कितने बीच में रखा गया है। इसी वजह से सजा किसको दी जाती है, ये सजा नहीं है इसकी, लेकिन इसको आपको काबू में रखना है, नहीं तो जीभ जो है यानी कि जुबान जो है आपकी जान ले सकती है और आपको जान दिला भी सकती है, यानी कि आप पर लोग जान न्यौछावर भी कर सकते हैं, और वो आपकी वाणी में ताकत है। इसका सही जगह पर, सही समय पर और सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे। हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते भी रहते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। कमेंट में प्रेम से लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।